नव्हती. उन्होंने हमको इस्तीफा दिया. अजित पवारच्या आरोप करत होता ते सत्तास्थापनेसाठी कसं चालले आणि दुसरा प्रश्न एवढ्या भल्या सकाळी लपून म्हणजे असा तो आरोप करतात शपथविधी घेण्याचं कारण काय? असं आहे की नाहीये ज्यावेळेस निघते त्यास व्हॅक्युम ठेवता येत नाही. राष्ट्रपती राजवट ज्यावेळेस निघते त्यावेळी गव्हर्नरचे अधिकार संपलेले असतात, त्यामुळे तिथे माननीय गव्हर्नरलाही अधिकार नसतील तर कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाऊनची परिस्थिती येते आणि म्हणून तात्काळ शपथ घ्यावी लागते. म्हणून ती शपथ घेण्यात आली. इसलिए हमने कभी देखिए पहली बात यह है हमने महाराष्ट्र में हमारे साथी के साथ ही सत्ता बनाने का पूरा प्रयास किया. सारी तो हमने ये बताया हमारे पास नंबर नहीं है, उनको पूरा चांस दिया. तब भी वो जब सत्ता नहीं बना रहे थे तो महाराष्ट्र को एक सरकार की आवश्यकता थी और इसलिए हमने सरकार देखिए. अभी इसका जवाब अजित पवार दे सकते हैं. देखिए मैं बहुत स्पष्ट शब्द में कहता हूँ, हमने दरवाजे बंद नहीं किए थे, दरवाजे उन्होंने बंद किए थे. और अब वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ है, हमारे साथ नहीं. ऐसा है मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताता हूँ, 5 सालों में सारी इंक्वायरी भी हमने की और बची हुई सारी इंक्वायरी कोर्ट मॉनिटर चल रही है और इसमें कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज का सवाल नहीं है. अब राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वोटों से वो चुनकर आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उनको गुट नेता बनाया. अब जब सत्ता बनेगी तो गुट नेता के साथ ही बनेगी, अगर वो गुट नेता नहीं होते दूसरे को होते तो देखिए. अभी गलती हुई या नहीं हुई है तो बाद में सोचेंगे, अभी तो हम उनके साथ सत्ता नहीं बना सकते. त्यांनी मला हे सांगितलं की माझ्या वैयक्तिक कारणांनी मी राजीनामा देतो. अजित पवारांनी कुणाच्या दबावाखाली राजीनामा दिला का आणि कोणाचा दबाव होता मला काही माहिती, तुम्ही त्यांना विचारा. लगातार जे भारतीय सत्ता उसके बाद से 5 साल ये कहना है कि कांग्रेस का कोई भी हत्या अरे भाई 11 दिन थे ना, रोज तो चर्चा करते थे, रोका किसने था? नेता भी नहीं तय कर पाए, प्रोग्राम भी नहीं तय कर पाए, कुछ भी तय नहीं कर पाए, रोका किसने था उनको? किसी ने रोका? शंभर टक्के भाजपची नैतिकता वाढेल. पहली गोष्ट ऐसी है, पहली बात ऐसी है कि
की कोई भी निर्णय स्टेट में होता है, कोई सेंटर में होता नहीं है, सेंटर में हम बताते हैं, तो स्टेट का ही निर्णय है। और मुझे नहीं लगता कि मेरी इमेज कोई मलाइन वगैरह होगी, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, महाराष्ट्र की जनता जानती है, महाराष्ट्र की जनता ने मुझे स्वीकार किया।